इस वीडियो में हम कमोडिटी में क्रूड ऑयल का एनालिसिस करने वाले हैं। क्रूड ऑयल में निचले लेवल से एक अच्छी खासी तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में क्रूड ऑयल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे समय लेते हुए हम इंजन के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको इंस्टाटेड एफएनओ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको इंस्टाटेड एफएनओ देखने को मिलता है, इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमारे सामने कमोडिटी का चार्ट ओपन हो जाता है जिसमें हमने क्रूड ऑयल को लगा के रखा है। क्रूड ऑयल के हमने पिछले काफ़ी समय से हम क्रूड ऑयल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं और जो हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को बताया था उसी के आधार पर क्रूड ऑयल में हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल का जो इंपॉर्टेंट टेबल क्या रह सकता है। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें सपोर्ट की, तो क्रूड ऑयल में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है इस समय ये 5600 का बना हुआ है, ये पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरे सपोर्ट की हम बात करते हैं तो दूसरा सपोर्ट हमारे सामने आता है 5450 के आसपास का रहने वाला है, और इसके बाद अगला सपोर्ट जो बनता है ये 5400 का हमें देखने को मिलेगा। ये सपोर्ट हमारे सामने रहने वाले हैं। अगर क्रूड ऑयल में कोई गिरावट आती है तो इन सपोर्ट के आसपास जा सकती है, और अगर हमें क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिल सकती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल हमें देखने को मिलता है ये 5800 का एक इंपॉर्टेंट इसका लेवल है। ये लेवल अगर क्रूड ऑयल यहाँ तक के क्रूड ऑयल हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर ये लेवल को क्रूड ऑयल पार कर लेता है और इस लेवल को होल्ड करके ऊपर जाता है तो अगला हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है ये 6000 का देखने को मिल सकता है। अब 6000 के लेवल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद अगर 6000 का लेवल भी यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं तो 6100 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। आपको ध्यान में रखना है कि 6100 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जब क्रूड ऑयल स्लिप हुआ था तो यहीं से स्लिप हुआ था और यहीं से हमें इसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी, तो 6100 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब बनने वाला है, तो इसके ऊपर हमारी नज़र रहने वाली है। तो इन लेवल को हम ध्यान में रखते हुए हम क्रूड ऑयल में यहाँ पे काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप क्रूड ऑयल में बाइंग की पोजीशन लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि क्रूड ऑयल ऊपर आ सकता है तो हम बाई बटन पर प्रेस करेंगे, और हमें लगता है कि क्रूड ऑयल में गिरावट आ सकती है तो हम सेल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे बाय ऑप्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम वन लॉट मेंशन करते हैं। एक लॉट में आती है 100 बैरल क्वांटिटीज आती है क्रूड ऑयल की। करंट प्राइस के साथ जो हमें मार्जिन लगने वाला है ये 1,80,512 रुपीज़ लगेगा। जो चार्जेस लगने वाले हैं आपको यहाँ सेम विंडो पे देखने को मिल जाते हैं। इंजन वन का इतना शानदार फीचर है कि आपको एक ही विंडो पे सारे कुछ काम हो जाते हैं। इसके बाद आपको बाय ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, कंफर्म ऑर्डर पे प्रेस करना होता है, हमारा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो जाता है। एक बार ऑर्डर सबमिट होने के बाद हमारा जो पोटेंशियल रिटर्न है वो हमें सेम विंडो पे देखने को मिलता है, मतलब कि आपको कोई अलग से दूसरी विंडो पे जाना नहीं है। आपका जो भी पोटेंशियल रिटर्न होगा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है आप उसको बुक करना चाहते हैं तो आप सेल ऑप्शन का यूज़ करके आप विद इन सेकेंड में आप अपनी पोजीशन को आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, या तो अगर आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। साइड बार का यूज़ करके आप अलग अलग टूल्स लगा सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, वर्टिकल लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं और आप अपने चार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एफएक्स ऑप्शन का यूज़ करके आप अलग अलग इंडिकेटर जैसे कि एमएचडी इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड इंडिकेटर, एलिमेंट इंडिकेटर को लगा के आप अपने चार्ट का यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना इजी इतना आसान हो जाता है एंजल वन एप्लीकेशन में इंस्टाटेड को यूज़ करना। अगर आपने अभी तक के अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार सर्विस इंस्टाटेड का यूज़ करें। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 1 ईयर का AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।